मैं हूं आशुकिन कुरेशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। बात अब जनपद बांदा की। उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितेंद्र प्रसाद बांदा पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में सहभागिता की, साथ ही विकास कार्यों को लेकर सर्किट हाउस में मीटिंग भी की। जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि मोदी और योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जा रहा है। जो भी गलत कार्यों में लिप्त पाया जाएगा उसके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी। बता दें कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है। इसी क्रम में बांदा पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितेंद्र प्रसाद कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। सर्किट हाउस में पदाधिकारियों व अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने सभी को जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने के लिए निर्देशित किया। बांदा से रागनी गुप्ता की रिपोर्ट। बड़ी समस्या है कि कुछ भी जैसे रेफर किया गया किसी भी हॉस्पिटल के कानपुर के लिए। अब आपका जो बांदा और कानपुर जाने के लिए मार्ग है, जनरली होते हुए बिल्ची होते हुए, यह ऐसा है कि रात को निकल ही नहीं सकती, ट्रक पलट जाते हैं। और यह केवल बारिश में हाल नहीं हुआ, लंबे समय से यह है। इस सड़क को लेकर, इस मार्ग को लेकर विधानसभा में भी सवाल विधायकों का थे, कार्य कुछ नहीं। नहीं, आज भी चर्चा हुई है, अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और जल्द आप परिणाम देखेंगे, उसको सही भी कराया जाएगा। अगर कोई गलतियां हुई हैं, कोई लोग दोषी हैं, तो जिम्मेदारी भी तय की जाए। चलिए, धन्यवाद सर। आपके ही विभाग में जो है एक सहायक अभियंता है अजय कुमार, जिनका आपसे 2.5 से 3 महीने पहले स्थानांतरण हो चुका था, वो अनियमितताओं में और तमाम तरीके के भ्रष्टाचार में भी दोषी पाए गए हैं, लेकिन अभी तक उनको यहाँ से कारमुक्त नहीं किया गया। जबकि भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले के खिलाफ ही आपके अधिशासी अभियंता राजाराम मथुरिया ने FIR तक दर्ज करा दी, जबकि भ्रष्टाचार की जांचों में DM की जांच हो, कमिश्नर की जांच हो या TAC की जांच हो, सभी में ये लोग दोषी पाए गए हैं, जिनके साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। ऐसा तिवारी, आपने मुझे अवगत कराया है, मैं विभाग के अधिकारियों को जो आपने बताया है उसकी पूरी रिपोर्ट मांगूंगा और उसी के हिसाब से कार्रवाई। हाँ बताए, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी गड्ढा मुक्त सरकारें होंगी, लेकिन अभी भी कुछ हाईवे ऐसे हैं कि जहाँ बहुत खतरनाक गड्ढे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, ये भारी बरसात के कारण बहुत सी प्रदेश भर की और बांदा की भी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी समीक्षा की थी और आज मैंने सभी सांसद विधायकगणों के साथ इस पर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तुरंत चिन्हित कर ली जाएं, सर्वे करा लिया जाए वो सड़कें जो भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं, और जैसे ही बरसात बंद होगी तुरंत युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा, चाहे वो बड़ी सड़कें हों, चाहे गांव की हों, MDR, ODR, स्टेट हाईवेज, वो सबको गड्ढा मुक्त अभियान, पैचवर्क, नवीनीकरण, स्पेशल रिपेयर के तहत सुचारू बनाया जाएगा। आवागमन और जो नई स्वीकृतियाँ हुई हैं उसको भी जल्द से जल्द धरातल पर उतार के कार्य किया जाएगा। धन्यवाद। हाँ बोलो जा। शैलेंद्र शर्मा नाम।